हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। अपनी पहली जीत के बाद आराम ना करें। अगर आप दूसरी जीत में हार जाते हैं तो बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे ये कहने के लिए कि आपकी पहली जीत सिर्फ आपकी किस्मत थी। ये कहानी एक राजा की है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। वो राजा ये देखना चाहते थे कि उसके राज्य में आलसी लोग रहते हैं या नहीं। इसके लिए एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहकर रात के समय गांव के बीच रास्ते में एक सामान्य आकार का पत्थर रखवा दिया। उसके बाद राजा छिपकर देखने लगा कि शायद ही कोई व्यक्ति आकर हिम्मत करके उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है या नहीं। राजा वहाँ पर बहुत समय से खड़े रहे और ये देखते रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति आकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं किया। रास्ते में आने जाने वाले कुछ लोग राजा को ही दोषी ठहरा रहे थे कि राजा कितना लापरवाह है, राज्य की सफाई का देखभाल ही नहीं करता। कुछ समय बीत जाने के बाद उस रास्ते से एक सब्जी वाला गुजर रहा था। उसने उस पत्थर को बीच रास्ते में रखा हुआ देखा तो उसने उस पत्थर को वहाँ से हटाने की निर्णय किया। वो सब्जी वाला अपना सब्जी का भार को नीचे रखा और उस पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन कुछ मशक्कत के बाद उसने पत्थर को वहाँ से हटा देता है। पत्थर को हटाते समय उस पत्थर के नीचे उसे एक पोटली मिलता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और राजा के द्वारा लिखी गई एक पर्ची होता है जिसमें लिखा था, ये पोटली उसके लिए है जो इस पत्थर को इस बीच रास्ते से हटाएगा। सब्जी वाला ये देखकर समझ जाता है कि ये उसकी मेहनत का फल है। बाकी लोगों को इसीलिए नहीं मिलता है वो पोटली क्योंकि वो आलसी लोग थे और जरा सा भी मेहनत करना नहीं चाहते थे। दोस्तों, उसी प्रकार आपको भी अपने सही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आलस को त्यागना होगा। जीवन के 5 नियम: अपने डर का सामना करें, स्वस्थ भोजन करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने लक्ष्य को हासिल करें और खुद पर विश्वास करें। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदल पाता है। इंसान की आदत है, ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो उसका कदर नहीं करता। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को अच्छा लग रही होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।